नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पवित्र मनन दीप के तत्वाधान में भूतेश्वर मंदिर के प्रांगण में सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा कि जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है, उनको दुख दिया जाता है, ऐसे घर में लगातार कष्ट आते रहते हैं, दरिद्रता आती है और सुख समृद्धि समाप्त होती चली जाती है। गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों को देवी का दर्जा प्राप्त है। यदि हम स्त्रियों का अपमान करेंगे, उनको दुख देंगे, तो हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे घर में सौभाग्य और बरकत नहीं आ सकती। उन्होंने आगे कहा, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जो समाज में भी हमें इज्जत मिल सके और हमारे प्रभु को भी हम मुंह दिखा सके। गुरुदेव ने कहा, आज का मानव अपने धर्म और कर्म को भूल चुका है, इसी वजह से जीवन में असाध्य कष्ट दुख भोग रहा है, शांति नहीं मिल रही है और हम प्रभु के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हमें मानसिक शांति नहीं मिल सकती। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें हजारों कष्टों से मुक्ति देकर ईश्वरमय करता है, प्रभु से जोड़ता है। इस दौरान सत्संग परिवार सहित कस्बे वासी मौजूद रहे। देव प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। परमात्मा प्रसन्न होंगे, इसलिए प्रभु की भक्ति का रास्ता बुराई छुड़वाता है, प्रभु की भक्ति का रास्ता त्याग मांगता है। भगवान यही कहते हैं कि तू मेरा बन, मैं तेरा हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं तू चीजों को समझ तो सही, मेरे रंग में तो रंग। और यदि हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, तो हमें साणा कोई नहीं कह सकेगा। इसलिए ऐसे कर्म करो भगवान प्रिय हो जाए, ऐसे कर्म करो परमात्मा आशीर्वाद देने पे मजबूर हो जाए। झूठा संसार कुछ नहीं देता, ये रिश्ते नाते भी जब मरते हैं तो बस शमशान तक साथ जाते हैं बेटे पोते, उसके बाद कोई साथ नहीं जाता। सूरदास जी कहा करते थे, हमारे साथ वही चीज जाएगी, हमारा कमाया हुआ धर्म, बाकी और कुछ नहीं जाना। और अंत समय में दो ही चीजों का हिसाब होता है कि हमने अब तक कितने अच्छे कर्म करे, कितने बुरे कर्म करे। बुरे कर्म करे जाएंगे, मोह माया में जकड़े रहेंगे, तो नरक तो भोगना ही पड़ेगा, आत्मा को तड़पाया जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की गोद में जगह मिलेगी। इसीलिए सत्संग सेवा में जीवन बिताना। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।